प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया और शमशान के लिए जमीन को आरक्षित किया। हाल ही में कई दिनों से सुर्खियों में बने शमशान भूमि पर कब्जे को लेकर प्रशासन काफी परेशान नजर आ रहा था। आज राजस्थान की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की तथा बने अवैध कब्जों को नगर पंचायत गोवर्धन की सहायता से कब्जा मुक्त कराया तथा जमीन को नगर पंचायत के सपोर्ट किया। इसकी जानकारी लेखपाल अवस्थी ने दी। वहीं नगर पंचायत सभासद मोनू ठाकुर ने बताया, ये जमीन करीब 25 साल पहले ठाकुर समाज को प्रशासन के द्वारा शमशान भूमि के लिए दी गई थी, मगर कुछ लोगों ने यह अवैध कब्जा कर लिया था। ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित गिरिराज तलहटी में अंतिम संस्कार किया करते थे। एनजीटी के आदेश के बाद वहां दाह संस्कार पर पूर्ण तरह पाबंदी कर दी गई, जिसे लेकर कुछ लोग अपने खेतों में अपने बुजुर्गों का दाह संस्कार करने लगे। आज सभी समाज के लोगों ने मिलकर शमशान भूमि हेतु दी गई जमीन को कब्जा मुक्त कराने की प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। ये शमशान भूमि गोवर्धन गोरवा में खतरा संख्या 156 है, इसका रकबा 160 हेयर और इसमें एक बंजर का नंबर है 40 हेयर का, जिसकी तैनात पर निशानदेही कर दी गई और जेसीबी करके कंप्लीट कर दी। के अनुसार मौके पर रकबा कब्जा टाउन एरिया के लिए दे दिया। दबी हुई भी बताई जा रही है, कोई जमीन दबी हुई भी ऐसा कुछ बताया गया, कोई जमीन दबी हुई है इसमें कहीं, इसमें रकबा कुछ दबा हुआ है क्या? पीछे की तरफ उसका निशान लगा दिया गया। अभी मथुरा